लाखों की जो सर्जरी डॉक्टर ने आपको कह दी है आपकी वो सर्जरी रुक सकती है, घुटने का रिप्लेसमेंट आपका रुक सकता है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को खाते ही अगर 5 दिनों के अंदर आपके शरीर से ये दर्द को निकाल नहीं देगा तो मैं आपको वादा करती हूँ कि आप मुझे अनफॉलो कर देना, कभी भी मेरा वीडियो दोबारा मत देखना। लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज जो मैं आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ, ये रेमेडी आपके शरीर से घुटनों का, कमर का या कहीं का भी दर्द है उसको पूरी तरीके से खींच लेगा। देखिएगा जरूर क्योंकि ये उपाय जो है साधारण नहीं, असाधारण उपाय है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो एक्सलेंट नहीं, पार एक्सलेंट है। दवाई खाकर आप भी परेशान हो गए हैं और आपको लग रहा है कि अब किसी का रेमेडी नहीं करना, कोई दवाई नहीं खाना, किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, अब जो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, आप भी थक चुके हैं अगर घुटनों के और कमर के दर्द से, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के वीडियो में जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी, लेकिन आपको आज का ये वीडियो तो उसके लिए देखना ही पड़ेगा क्योंकि आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ ये आपको एक्सटर्नल हील नहीं करेगी, ये आपको इंटरनल हील करेगी। और एक्सटर्नल हील में क्या होती है, ऊपर से हम चीजें लगाते हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और तकलीफ जस की तस रह जाती है। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको मैं डिटेल में बता सकूं कि आपको करना क्या है और कैसे ये कमर, घुटने और कंधे के दर्द से हमेशा के लिए निजात पाना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सलाम नमस्ते, केमचो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आज मैं आपके घुटनों के दर्द, स्पेशली नी पेन एंड ज्वाइंट पेन के बारे में बात करने वाली हूँ। ये जो वीडियो है वो मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ ये रेमेडी इतना अनोखा है, इतना इफेक्टिव है, जिसको लेने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो ये तकलीफें थी, जो घुटनों में आपको सूजन आ गई है या कट कट कर कर की आवाजें आ रही है, उठना बैठना चलना मुश्किल हो गया है, स्पेशली ऐसे लोगों को जिनको की 50 से ऊपर की उम्र है, ठंड का ये मौसम है और ऐसे टाइम में जमीन पे बैठा नहीं जा रहा है, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और तकलीफ से जिंदगी जो है एकदम हाल बेहाल है, तो इस वीडियो में आज मैं उसका पूरा पूरा ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूँ। दर्द होने का बहुत सारा कारण है, मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे आपको कारण बता दिए हैं। विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, साइनोवियल फ्लूइड जो कि एक लिक्विड होता है जिसकी एक परत होती है आपके घुटनों पे या जॉइंट्स के ऊपर, उसका जो है उखड़ जाना हो सकता है, उसका डिस्टर्ब हो जाना हो सकता है, उसका टूट जाना हो सकता है जिसकी वजह से हड्डियां आपकी रिगड़ती हैं, आपस में आवाजें आती हैं, ये सब कारण आप लोगों को पता है। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको वो नहीं पता तो मैं आपको बताते दी हूँ कि वो चीज होती है विटामिन B12 और B9। आपने बड़ा सुना होगा कि विटामिन B12 से एनर्जी मिलती है, विटामिन B12 जो है बाकी चीजों के लिए हेल्दी होता है, लेकिन B12 आपके हड्डियों को कैसे फायदा पहुंचाता है और B9 जो है जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं वो भी कैसे आपके शरीर को हेल्प करता है स्ट्रेंथ देने में, मजबूती देने में, सघनता बनाने में, इसके बारे में हम पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं। हम रेमेडी पे भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप कहीं मत जाइए, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। ये जो B9 है, जो फॉलिक एसिड है, ये फॉलिक एसिड एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड होता है उस ब्लड का कितना थिकनेस है, वो ब्लड कितना रेड है, वो ब्लड किस हिसाब से बन रहा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, ये सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है। अब किसी कारण से संभव अगर B9 आपके शरीर में कम हो जाता है तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो आपका पेल हो जाता है, ब्लड जो है वो कमजोर हो जाता है, उसमें प्रॉपर ताकत नहीं रहती, उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं रहता। फिर क्या करता है कि जब वो पेल हो जाता है तो आपके हड्डियों को जो सपोर्ट चाहिए, जो प्रॉपर मिनरल की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ विटामिन नहीं मिनरल का भी सपोर्ट होना चाहिए, तो जो मिनरल का सपोर्ट है वो मिनरल की सपोर्ट रुक जाती है। जैसे ही मिनरल की सपोर्ट रुकती है तो जो हमारा बोन्स है, बोन्स में जो नए सेल्स बनते हैं, नया फॉर्मेशन होता है, वो स्टॉप हो जाता है, और जब वो स्टॉप हो जाता है तो नई सेल्स बनती नहीं है,
पुरानी सेल्स धीरे धीरे करके मरने लगती हैं, जिसके वजह से हड्डियों का कमजोरी आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है आपके लिगामेंट का सपोर्ट। लिगामेंट अगर आपका पतला हो गया, लिगामेंट अगर खींच गया है, लिगामेंट को अगर मसल्स का सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या करता है कि फिर हमारे नी या हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स को जो है वो प्रॉपर सपोर्ट, एक कहते हैं ना कि हर चीज के नीचे एक सपोर्ट होती है, हमारी बोन्स है तो उसमें मसल्स उसके सपोर्ट है, मसल्स है तो बोन्स उसमें सपोर्ट है, उसके ऊपर ये स्किन सपोर्ट है, तो उसी तरह का सपोर्ट जब खत्म हो जाता है तब भी हमारी बोन्स जो है वो धीरे धीरे करके अपना जगह छोड़ना शुरू कर देती है। स्थित एक जगह जैसे उनको रहना चाहिए वैसे नहीं रहती है, वो अपना जगह छोड़ना शुरू कर देती है, और जगह छोड़ने के वजह से क्या होता है, वो हल्की फुल्की डिसलोकेट हो जाती है, एग्जैक्ट जगह से थोड़ी सी ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती है, जिसके वजह से आपको पेन होती है, जिसके वजह से आपको रेडनेस की शिकायत हो जाती है। कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी से कटकट कर की तो आवाज आती है, लेकिन उसके साथ अगर आपको घुटनों में इतना दर्द है कि खड़े होते हो तो पेन होती है और बैठकर उठते हो तब भी आपको पेन होती है, तो आपको बात दोष वगैरह सब कुछ है इसमें, लेकिन दो चीज समझने की जरूरत है कि B12 कहीं ना कहीं आपके शरीर में कम हो रहा है। B12 क्या करता है कि आपके शरीर, आपके बोन्स, आपके नसों में, आपकी हड्डियों तक जो प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है, वो बनाकर रखता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका फ्लो रुक जाएगा, और उसके वजह से भी फिर क्या होती है, आपके हड्डियों तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं। किसी भी चीज को, इंसान अगर प्यासा है उसको अगर पानी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, आपने देखा है, किसी को खाना चाहिए, अगर खाना नहीं मिलता तो क्या होता है, धीरे धीरे वो डेड होने लगता है। एग्जैक्टली हमारे बोन्स के साथ भी होता है, अगर उसको सही टाइम पे, सही जगह पे, सही तरीके से वो नरिशमेंट, वो खाना नहीं मिलता तो धीरे धीरे करके वो डेड होने लगता है। अब ये B9 और B12 जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको कि रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में लेना जरूरी है, अगर आप नहीं लोगे तो ये रोज के रोज आपके शरीर से खत्म हो जाता है, मतलब पानी के साथ निकल जाता है। इसके लिए आपको क्या लेने की जरूरत है, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज्यादा लीजिए, मतलब कि आप स्प्राउट अपने डाइट में बहुत ज्यादा लीजिए, कुल्थी की जो दाल आती है उसको अपने डाइट में बहुत ज्यादा लीजिए, रॉ वेजिटेबल जैसे कि सैलेड के फॉर्म में वो बहुत ज्यादा अपने डाइट में लेना शुरू कीजिए, वॉलनट खाइए और छुहारा खूब सारा खाइए, आप रोज के 4-5 छुहारे, किशमिश, वॉलनट, ये सब अपने डाइट में रोज से शामिल कीजिए, जिससे कि ये चीजें बढ़ेंगी। और आपको एक रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ सबसे पहले, जो कि आपके पूरे शरीर के लिगामेंट, नर्व और मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, जिससे कि आपके हड्डियों को सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट मिलने के वजह से हड्डी के अंदर जो है नरिशमेंट टाइम से जाएगी और हड्डियों में आपको दर्द नहीं होगी। आपको 3 से 4 ये काला इलायची लेना है, ब्लैक कार्डमम कहते हैं, बड़ी इलायची, मोटी इलायची के नाम से आप जानते हैं, इसको 4 लेंगे, 4 कर 1 लीटर के इस तरह के बॉटल में, कोई सा भी, जरूरी नहीं है ग्लास का बॉटल हो, स्टील का बॉटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें 1 लीटर पानी होना चाहिए, उसके अंदर ये 4 इलायची को 4 कर डाल दीजिए। सिर्फ शर्त यह है कि ये जो पानी है ये गर्म पानी होना चाहिए, अच्छा हॉट वाटर होना चाहिए, इस पानी के अंदर डाल दीजिए, ढक कर इस पानी को रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन इस पानी को आपने गरम करके पूरे दिन पीते रहना है, इसके अंदर जो इलायची के दाने हैं उसको हटाना नहीं है, मुंह में जब आता है आपने उसको निगल लेना है या चबा लेना है, और पूरे दिन ये पानी पीते रहना है, ये पानी लगातार आपको 15 दिनों तक कम से कम पीना है। अब हम आते हैं दूसरी रेमेडी, उससे पहले आपको बता दूं एक जूस, जिस जूस को अगर आप पिएंगे आपके शरीर में B12 और B9 की कमी जो है वो भरपूर मात्रा में हो जाएगी, और इसका रिजल्ट दिखेगा आपको 5 दिनों में। जी हाँ, 5 दिनों में आपको अपने शरीर में ओवरऑल चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ घुटने और कमर का दर्द इससे ठीक नहीं होगा, जिन लोगों को एरियो में दर्द होता है, एंकल पेन जिन लोगों को होता है, टेलबेन बोन की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या बैक में यूं ही बिना किसी रीजन के दर्द है, जिन लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी इन रेमेडीज से फर्क आएगा। आपने करना क्या है, 2 गाजर लेना है, 2 चुकंदर लेना है, 2 सेब लेना है,
चार आंवला लेना है, एक मुट्ठी पुदीना लेना है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक लेना है। इन सारी सामग्री को पीसकर जूस बना लेना है और इस जूस को आपने दिन में 2 बार, एक बार सुबह लेना है 8-9 बजे मतलब नाश्ते से पहले, और एक आपने शाम को 4 बजे लेना है, 5 बजे नहीं 4 बजे ही लेना है, सूर्यास्त से पहले लेना है, सूर्यास्त के बाद नहीं लेना है। एक बार बनाकर जूस रख लीजिए, 2 बार इसको पीना शुरू कर दीजिए। ये भी कितने दिन करना है, ये भी आपको 15 दिनों तक ही करना है। अब क्या होगा कि आपके शरीर में ये सारी चीजें तो बन जाएंगी, सपोर्ट शुरू हो जाएगी, जो ग्रीज खत्म हो रही है जिन लोगों की, और ग्रीज बन नहीं रही है जिसके वजह से हड्डियां रिगड़ रही हैं, बहुत ही ज्यादा तकलीफ से, पेन से पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, वॉकर पे चलने की जरूरत पड़ गई है, बाथरूम जाने तक की भी शरीर में ताकत नहीं रह गई है, वैसे लोगों के लिए आने जा रही हूँ। आपको लेना है 50 ग्राम ये कमरकस का पाउडर, ये होता है कमरकस, आपको इसका पाउडर लेना है। 50 ग्राम आपको लेना है सफेद म्यूसली का पाउडर, ये होता है सफेद म्यूसली, आपको इसका पाउडर लेना है। 50 ग्राम आपको लेना है गोंद कीकर, ये गोंद कीकर होता है, इसका आपको पाउडर लेना है। तीनों को मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद एक डब्बा में भर के रख दीजिए। अब आपने सुबह को नाश्ते से जस्ट पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ पी लेना है, ये पाउडर खा लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, और उसके बाद नाश्ता करना है। रात में भी सोने से पहले जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आपने ये आधा चम्मच खा लेना है, गुनगुना पानी 2-4 घूंट पी लेना है, और उसके बाद आपने खाना खाना है। ये आपने लगातार 30 दिनों तक करना है। 5 दिनों में आपको फर्क आ जाएगा शरीर के घुटने या कमर की दर्द में, लेकिन आपने फॉलो इसको 30 दिनों तक करना है। कितनी भी पुरानी तकलीफ है आपको, कितने समय से है, कितनी ज्यादा या कम तकलीफ है आपको, इस रेमेडी से ये तकलीफ आपकी जरूर दूर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी है उसको टर्न कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और वॉच करने के लिए।